तो भारत और पाकिस्तान दोनों में परीक्षा का मौसम है। भारत में प्रधानमंत्री बच्चों से परीक्षा पर बात कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सियासत की परीक्षा देने वाले हैं, जिसका पर्चा विपक्ष ने लिखा है। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी संकट से घिर गई है और नंबर गेम में लगातार इमरान खान पिछड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3 तारीख को यानी रविवार को भारतीय समयानुसार पाकिस्तान की संसद में कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो इस पूरे मामले के ऊपर आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अभी इमरान खान इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। देश के नाम दिए संदेश में इमरान खान ने यह बात कही थी कल शाम को, और इमरान खान के पास बहुमत का आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है, तो इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में जाना चाहते हैं लेकिन नंबर उनके पास नहीं है। दोपहर 12 बजे के बाद ये वोटिंग होनी है। रविवार को इमरान खान के पास बहुमत नहीं है। MQM, PMLQ के एक सांसद, BAP और GDA, ये तमाम पार्टियां इमरान खान को छोड़कर अब विपक्ष के पास आ चुकी हैं। और इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। उधर विरोधियों का दावा है कि नंबर गेम में इमरान काफी पिछड़ चुके हैं और उनकी कुर्सी जाना लगभग तय है। विरोधियों के मुताबिक उनके पास 199 सांसदों का समर्थन है, वहीं इमरान के पास अब आंकड़ा केवल 142 का बचा है। ऐसे में रविवार को क्या होगा, क्या इमरान की सरकार चली जाएगी, ये बड़ा सवाल है जो इस समय पाकिस्तान की सियासत में घिरा हुआ है। तो नंबर गेम कुछ इस तरीके का है, जिस तरीके की स्ट्रेंथ सामने नजर आई उसके बाद इमरान खान बैकफुट पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में सियासी संकट घिरता चला जा रहा है। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा जो भी रिजल्ट हो, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं उस दिन, ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने जमीर का सौदा करेगा वहां। इस बयान के साथ ही इमरान खान ने साफ कर दिया है कि वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। इमरान ने वोटिंग की तारीख भी बता दी। लेकिन इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूँ कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा जो भी रिजल्ट हो। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर दिया गया ये बयान बताता है कि इमरान खान ने सरकार बचाने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। पहले इमरान ने अपने सांसदों को वोटिंग से दूर रहने की हिदायत दी, सदन से गैर हाजिर रहने का फरमान जारी किया था, लेकिन अब इमरान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। तो सवाल ये कि आखिर इमरान में ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? जवाब है ये तस्वीर। ये गुरुवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जुटा विपक्षी खेमा है। विपक्ष पहले दावा कर रहा था कि PTI के 2 दर्जन से ज्यादा सांसद टूटकर उसके खेमे में आ गए हैं, लेकिन जब संसद में ताकत दिखाने की बारी आई तो विपक्षी सांसदों की संख्या बहुमत के बराबर दिखी, न एक कम न एक ज्यादा। अभी हम नेशनल असेंबली पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब शिकस्त खाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सके। आपको बता दें कि 342 सदस्यीय पाकिस्तानी संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 वोट की जरूरत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ छोड़ने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के पास सिर्फ 164 सांसद है, जबकि विपक्ष 177 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ 172 ही सांसद पहुँचे, यानी पाकिस्तान में पिक्चर अभी बाकी है। तो आपने देखा किस तरीके से इमरान खान दावे कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।